अच्छा शुन, कोई मुझे बताएगा कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है मैम? ओके शुरियन, दिख रहा ओके शुरियन, थैंक यू। अच्छा तो यहाँ पे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड ये मेरे हिसाब से आज लास्ट लेक्चर होगा। हम आज क्या है, प्रॉब्लम्स भी सोल्व करेंगे और बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम कुछ प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, लेकिन एक बार वापस से रिविजन भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड उनकी प्रॉपर्टी आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबको याद है, यहाँ पे ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन का जो एक्सपांशन हम लिखते थे वहाँ पे NC0 NC1 जो भी आपको दिख रहे थे, हमें बात करी थी, वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते। आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन के एक्सपांशन में पहला टर्म मिलता था आपको NC0 इंटू ए का पावर कितना मिलता था, एन। ठीक है, वैसे स्टूडेंट आप जो लिखते हैं, क्योंकि वहां पे ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन में एन जो लेते थे वो हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे थे, और आपको पता था उसके एक्सपांशन में आपको एन प्लस वन टर्म्स मिलते थे। तो बेसिकली अभी ए की वैल्यू वन ले लेते हैं, बी की वैल्यू एक्स ली, तो हमें ये चीज मिलता है, ये हमने बार बार यूज किया है, एक्सपांशन 1 + x होल रेज टू पावर n। ये आपका होता है NC0 + NC1x up to NCnx रेज टू पावर n। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यही यूज करें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको कुछ नाम दे दीजिए। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, 1 + x होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन क्या होता है। यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे n नेचुरल नंबर लिया है। ठीक है, n नेचुरल नंबर है, इसकी वजह से आपको NC0 NC1 ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो ये NC0 NC1 ये आपको पता है, वेरियस पावर्स ऑफ x यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और ये बेसिकली देखो ये जो कोएफिशिएंट है NC0 NC1 NCn अप टू वेरियस पावर्स, देखिए वापिस से एक बार बता देते हो स्टूडेंट, यहाँ पे 1 + x होल रेज टू पावर जो n है, हमने ये ऐसा भी लिखा था, दिस इज इक्वल टू सिग्मा NCr, और यहाँ पे लिखा था x का पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपको पता है यहाँ पे जो NCr होता है वो x का पावर r का कोएफिशिएंट होता है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, द कोएफिशिएंट NC0 NC1 अप टू NCn ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x, इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड उसको स्टूडेंट अभी हम कैसा लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे NC1 जो अभी तक यूज कर रहे थे स्टूडेंट, अभी हम इसको ऐसा लिखेंगे C1, NC0 जो लिख रहे थे हम उसको लिखेंगे C0। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में स्टूडेंट वहां पे ये C0 C1 C2 अप टू CN ऐसा यूज कर रहे हो। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए, ये प्रॉपर्टीज के लिए मैं ऐसा करा रही हूँ। ठीक है, NC0 को हम लिख रहे हैं C0 से, NC1 को C1 से, NC2 को C2 से, NCn को लिख रहे CN से। ठीक है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। एंड अभी अगर ये सेम चीज को मैं लिखूं तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा आपके पास, ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 1, 1 + x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0 + C1x + C2 into x² up to CnX to the power n। ठीक है, इसमें आपको कितने n प्लस वन टर्म्स मिलेंगे, इसको हमने बोला इक्वेशन 1। एंड यहाँ पे स्टूडेंट आप C0 C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने पता है कि NCR को कैसे फाइंड आउट करते हैं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि C0 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू n है, C2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल है, और CN की वैल्यू 1। ठीक है, सी एन मतलब बेसिकली एन सी एन, ये आपकी 1 होती है, एन सी 0 भी आपका 1 होता है। ठीक है, एन सी 0 1 हुआ, एन सी 1 आपको मिलेगा n, ये चीज यहाँ पे बताई स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, वो डिस्कस करने वाले। किसी को डाउट है अभी तक प्लीज बता दीजिए। नो मैम। पक्का ये वाली चीज समझ में आई सबको, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट। अभी जो जैसे इक्वेशन नंबर 1 लिखी है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज पढ़ी थी हमने, एक्स की वैल्यू अगर 1 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा 1 + 1 होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0 + C1 + C2 up to CN, मतलब सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको कितना मिल जाएगा, 2 का पावर n। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से जो दिखाया है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे मिला, आपने जो इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की होती तो क्या मिलता,
वो वाले केस में तो जीरो सब्स्टिट्यूट करके कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दी तो वन का पावर एन मतलब वन हो गया, और राइट साइड में सिर्फ सी जीरो बचेगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता है सी जीरो की वैल्यू वन है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे जीरो की बात मैंने गलती से कर दी, यहाँ पे आपको वैसे भी पता है सी जीरो की वैल्यू होती है वन, लेकिन अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करी तो क्या होगा स्टूडेंट? देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन वन में, अगर मैंने एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 -1 होल रेस टू पावर एन, और राइट साइड की बात की जाए स्टूडेंट जहाँ पे एक्स का पावर ऑड रहेगा वहां पे आपको माइनस साइन दिख जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर आपने एक्स की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी है तो राइट साइड में आपको दिखेगा स्टूडेंट C0 -C1x +C2 × x² - C3 × x³ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है? ये वाली चीज सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, ये आपके पास हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी, ये इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए ये मेरा मिस्टेक है, वापस से मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वापस से, यहाँ पे 1 + x होल रेज टू पावर n, ये हमने लिखा है C0 + C1x + C2 × x² + ... यहाँ पे है Cn × x का पावर n, ठीक है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू 1 रखा स्टूडेंट तो आपको मिलेगा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो मिलेगा 2 का पावर n, वो आप देख सकते हो। अगर आपने x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करी है लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0, राइट साइड में क्या हो रहा है आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले साइन दिखेंगे यहाँ पे, तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन ये आपका हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए, पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है? ओके स्टूडेंट। अच्छा अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, जो माइनस वाले टर्म है उसको अगर दूसरी साइड में भेज दे तो आपको पता है आपको मिलेगा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब C0 + C2, अब देखो C0 + C2 + C4, ये मतलब ये आपके पास है सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, C1 + C3 + C5 ये है आपका सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 3 है हम उसको रीराइट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 की तरह, और ये चीज हमने पढ़ी भी थी, ये क्या होता है सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये हमारे पास आता है यहाँ पे 2 रेज टू पावर n-1, ठीक है? आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों का वैल्यू यहाँ पे सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है 2 का पावर n-1, ठीक है? यही चीज यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ठीक है? C0 + C2 up to ... ये आपको मिलता है 2 का पावर n-1 एंड सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू भी 2 का पावर n-1 मिलता है। स्टूडेंट ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी लेकिन बाकी का जो प्रॉपर्टी वो नया रहेगा। अच्छा यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है, 1 + x होल रेज टू पावर n, ये हमारे पास क्या होता है C0 + C1x + C2 × x² + ... + Cn × x का पावर n, ठीक है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला हुआ है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं x को रिप्लेस कर दू 1/x से तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये वाला 1 + 1/x होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू C0 + C1/x + C2/x² + ... + Cn × x टू द पावर n, इधर इतना ही मिलेगा। किसी को डाउट है इसमें इक्वेशन नंबर 5 कैसे मिला स्टूडेंट? अगर इक्वेशन 1 में x को आप रिप्लेस कर रहे 1/x से तो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा, ठीक है? ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, ठीक है? इक्वेशन 1 में x को रिप्लेस कर रहे 1/x से तो ये मिलेगा। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हैं ना यहाँ पे, जो मैंने इक्वेशन 5, 6 लिखा हुआ है बेसिकली ये सेपरेट क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, ठीक है? लेकिन मैं एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ ये, लेकिन ये क्वेश्चन ही भी है, ठीक है? तो आपने इक्वेशन 1 में x को रिप्लेस किया 1/x से तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसका लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो बेसिकली ये चीज मिलेगा 1 + x होल रेज टू पावर n / x का पावर n, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों दिखा रही है ऐसा? क्योंकि हम स्टूडेंट अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि उसी से भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं या अलग अलग प्रॉपर्टी बनते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन्हें इक्वेशन वन और इक्वेशन फाइव को मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड की बात कीजिए, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर टू एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन। ठीक है, ये देख लीजिए कैसे मिला, क्योंकि मैंने बताया वन प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एन को हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन। ठीक है, तो इक्वेशन वन और फाइव को मल्टीप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड आपको मिला वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर टू एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन, और राइट हैंड साइड भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया, इक्वेशन वन और फाइव को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज मिलेगा। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी हमें कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, यहाँ पे ये आपने लिख तो दिया यहाँ पे इक्वेशन वन और फाइव को, लेकिन अभी अगर मुझे कोई भी कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है तो यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे उन्होंने बताया हम एक्स का पावर आर के कोएफिशिएंट को दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर टू एन डिवाइडेड बाई एक्स का पावर एन, यहाँ पे अगर मैं आपको पूछू एक्स का पावर आर का कोएफिशिएंट क्या रहेगा तो क्या होगा, प्लीज बताइए स्टूडेंट, वहां पे आप बताएंगे टू एन, यहाँ पे आप बताएंगे टू एन एंड यहाँ पे c, आप यहाँ पे लिखेंगे n प्लस r, और यहाँ पे बेसिकली x का पावर r मुझे चाहिए तो मैं जो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा x का पावर n प्लस r, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको स्टूडेंट यहाँ पे x का पावर n दिख रहा है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको बेसिकली x का पावर r वाला टर्म दिखना चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर आपको कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर r ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, इधर ये वाले में यहाँ पे आपको बेसिकली ये जो चीज यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट टू एन सी एन माइनस आर, ये आया कहाँ से वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, एक्स का पावर आर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला देखो मैं हाईलाइट करती हूँ ये वाली चीज, यहाँ पे अगर मुझे एक्स का पावर आर का कोएफिशिएंट कोई पूछेगा तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा टू एन सी एन प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि आपको अगर ऊपर न्यूमरेटर में x का पावर n प्लस r चाहिए, यहाँ पे देखो x का पावर n प्लस r, डिनोमिनेटर में x का पावर n रहेगा तो ही इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको x का पावर r मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए वाली बात। यस मैम, इंडाइसेस के प्रॉपर्टी से, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया टू एन सी एन प्लस आर, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे मैम टू एन सी एन माइनस आर दिखा वो कैसे आए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली चीज इरेज करके, क्योंकि हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो वहां से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो टू एन सी एन माइनस आर आपके पास हो जाएगा टू एन, यहाँ पे सी लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टू एन माइनस एन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए, यहाँ पे उसका माइनस साइन हो जाएगा, मतलब 2n फिर माइनस फिर ब्रैकेट में आप n माइनस r लिखेंगे तो ये मिलेगा, बेसिकली आप यहाँ पे बोल रहे 2n c n माइनस r इज सेम एज 2n c, यहाँ पे लिख रहे हैं फिर यहाँ पे n प्लस r, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ये मैंने सर्कल किया हुआ है यहाँ पे x का पावर r का कोएफिशिएंट है आपका 2n c n प्लस r, और यहाँ पे 2n c n प्लस r की वैल्यू सेम होती है 2n c n माइनस आर, तो यहाँ पे उन्होंने 2n c n माइनस आर लिखा, आप ओपन कीजिए दोनों से सेम ही आंसर आएगा, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 के राइट साइड में आपको जो दिख रहा है स्टूडेंट यही चीज आपको मिलेगा। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अभी के लिए प्रॉपर्टी में दिखा रही हूँ, पहली बार में हो सकता है आपको नहीं आए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे और राइट साइड की बात की जाए ये वाला देखो मैं टिक करती हूँ ये वाला, आप बोलेंगे मैम यहाँ पे x का पावर r का कोएफिशिएंट कैसे लिखा वो बताती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है और दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में अगर मुझे कोई पूछे x का पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए, हमने सीखा था तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको वापस से दिखा देती हूँ, अगर मुझे इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में सपोज मुझे बताना है x का पावर r का कोएफिशिएंट, तो आप देखिए अगर आपने पहले सेकेंड ब्रैकेट से सपोज ये वाली टर्म ले ली सी जीरो ले ली स्टूडेंट, ठीक है, तो आप पहले वाली ब्रैकेट में कौन सी वाली टर्म ढूंढेंगे, आप वो वाली टर्म ढूंढेंगे जहाँ पे x का पावर r दिखे आपको, क्योंकि c जीरो को आपको पता है कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू होता है वन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने c जीरो लिया तो यहाँ पे x का पावर r वाली टर्म ढूंढेंगे और आपको पता है x का पावर r है उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा रहेगा, सी आर रहेगा ना, एन सी आर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी जीरो इंटू सी आर आएगा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे वाली
सी वन अपॉन एक्स ई वाली टर्म ले लिए सेकंड ब्रैकेट में से, आपने ये वाली टर्म ले ली है तो फर्स्ट ब्रैकेट में से आप वो वाली टर्म लेंगे ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको एक्स का पावर आर मिले। मतलब आपने अगर इधर सी वन एक्स लिया है तो ये पहली वाली ब्रैकेट से आप एक्स का पावर आर प्लस वन लेंगे और यहाँ पे इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सी आर प्लस वन। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाले समझ में आया? तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया है। तो यहाँ पे दोनों साइड में अगर हम x का पावर r के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलेगा c0 into cr plus c1 into cr plus 1 up to cn minus r into cn is equal to 2n cn minus r। ये चीज मैंने आपको बताया ये कैसे आया, और इसको जस्ट ओपन कर दीजिए फॉर्मूले से, ये मिलेगा 2n फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 2n टोटल का फैक्टोरियल है, ठीक है, 2n ब्रैकेट में रखिए उसका फैक्टोरियल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर मिस्टेक कर देते हैं, क्या टू बोलेंगे टू मैम ऐसा लिखा है 2 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो आंसर आपका टोटली रॉन्ग आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, 2n ब्रैकेट में है टोटल का फैक्टोरियल है, मतलब 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 अप टू 1, इसका मतलब ये है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 2n का होल का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय n प्लस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोला है। किसी को डाउट है स्टूडेंट प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है? नो, यस मैम, यस मैम। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि डाउट नहीं है, किसके लिए नो बोल रहे हैं कोई, तो यहाँ पे प्लीज मुझे बता दीजिए। अच्छा ये हो सकता है कि आपको डाउट रहा हो, ओके स्टूडेंट थैंक यू। यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको समझ में नहीं है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये आपको ये क्वेश्चन क्या रहता है मैं बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टीज मैं कराने का ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे अभी नहीं आएगा तो हो सकता है पहली बार कर रही इसकी वजह से समझ में नहीं आए, लेकिन यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे एक्स का पावर आर के कोएफिशिएंट की बात करिए। तो मैंने कुछ यहाँ पे पहले ब्रैकेट से क्या टर्म ली, सेकेंड ब्रैकेट से आपको पता है ये वाली टर्म ली है, तो चीज यहाँ पे उन्होंने जस्ट कंपेयर किया एक्स के पावर आर को कोएफिशिएंट को, इक्वेशन 6 मिला है। अभी स्टूडेंट क्या होता है, इक्वेशन 6 अगर आपको मिल गई है तो यहाँ पे आप आर की अलग अलग वैल्यू लेके अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ पे ले ली स्टूडेंट 0, तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए, ये मिलेगा आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 6 में तो आपको मिलेगा सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अप टू सी एन स्क्वायर, ये मिल जाएगा 2n। यहाँ पे वापस से बता रही स्टूडेंट, 2n का फैक्टोरियल टोटल का फैक्टोरियल है, 2n ब्रैकेट में उसका फैक्टोरियल, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वो बोलेंगे 2 बाहर है इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर ही कुछ अलग आएगा। तो ये 2n टोटल का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में है। एंड स्टूडेंट अगर आपने आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन 6 में तो आपको मिलेगा सी जीरो सी वन प्लस सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री अप टू सी एन माइनस 1 इंटू सी एन इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, जब भी आपको ये वाला चीज याद रखिए, ये वाला 6 वाला, और जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आर की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे 7th वाला कैसे मिला हमने इक्वेशन 6 में आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट के लिए, वैसे अगर आप आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज बहुत काम की है, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ, प्लीज मुझे बताइए आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या 11th स्टैंडर्ड में? यस यस मैम, यस मैम। ओके स्टूडेंट थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ये मैं क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी कुछ प्रॉपर्टी में ऐसा कराने वाली हूँ स्टूडेंट जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बहुत इजी हो जाती है। मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, आपको पता है। एक तो जैसे अभी मैं जो कराने वाली स्टूडेंट वो क्यों करा रही हूँ उसका रीजन भी बताऊंगी। ये हमारे पास है सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सी एन इंटू एक्स का पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो आपको पता है ये एक्सपांशन मैंने लिख दिया है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन का, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ये इसको आपने बार बार इक्वेशन नंबर 1 ही बोला है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे सॉरी
तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, आपको पता है यहाँ पे अगर ये जो इक्वेशन नंबर वन है, x की कुछ वैल्यूज जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जैसे आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहता है वैसा आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने बताया था x की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करते हैं आपको सम ऑफ होल बाइनोमियल का कोएफिशिएंट मिल जाता है, x की वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलता है सम ऑफ ऑल्टरनेट बाइनोमियल को, यहाँ पे जो बीच में माइनस साइन जो आ जाता है यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करी। अभी क्या होता है स्टूडेंट, एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा वहां पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉन्स्टेंट नंबर बेसिकली, तो बेसिकली आपने वो वाले केस में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर वन दी हुई है स्टूडेंट उसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आप वहां पे x की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, आप क्या है वो सिग्मा जो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा है वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये वाली जो चीज है, अगर देखो ये इक्वेशन वन में लिखी है, अगर मैं इसके दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अभी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहूँ जैसे एक्स का पावर एन है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रही विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा स्टूडेंट सबको याद है डिफरेंशिएशन एक मेथड है, प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और डेरिवेटिव होता है क्या है, ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख लूं जैसे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वाई में क्या चेंज आ रहा है जब आप एक्स के एक्स में कुछ चेंजेस ला रहे हो बेसिकली, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अगर आपने वाई को एक्स के टर्म्स में लिखा है, जैसे जैसे आप x में कुछ वैल्यूज में कुछ चेंज करेंगे तो वैसे ही वैसे y के वैल्यूज में चेंज आएगा, तो dy by dx is rate of change, और ये instantly मतलब at that particular instant पे कितना चेंज हुआ वो होता है, ये पूरा डिटेल में जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए स्टूडेंट ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर आपका फंक्शन ऐसा है x का पावर n तो उसका अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा n इनटू x का पावर n माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे देखिए इक्वेशन वन को दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है एन इंटू वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट हो जाता है जीरो, तो सी जीरो को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया जीरो, फिर आपको मिलेगा प्लस सी वन प्लस टू टाइम्स सी टू इंटू एक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए यहाँ पे, अप टू लास्ट टाइम आपको डेरिवेटिव मिलेगा यहाँ पे n इंटू सी एन इंटू एक्स का पावर हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट कुछ समझ में आया, प्लीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ में आपको x का पावर समथिंग दिख रहा है ना, तो हम क्या करें डिफ्रेंशिएट करें दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड्स को इक्वेशन वन के, तो यहाँ पे हमें ये वाला चीज मिला जो मैंने h में आपको दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट समझ में आ रहा है, नहीं चाहिए नहीं आया तो मेरे को बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली टर्म ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, क्योंकि सी टू तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो सी टू को एज इट इज रहने दिया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाता है टू इंटू एक्स, तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं टू इंटू सी टू इंटू एक्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट ये वाली चीज पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ा तो आप प्लीज बता दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का पावर समथिंग, ठीक है, तो अगर आपको पता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है एक टर्म कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो सी टू को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका कितना हो गया टू एक्स, प्लीज बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन वन को दोनों साइड को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें ये वाला मिलेगा एच वाले पार्ट में जो मिल रहा है, डोंट वरी अगर अभी समझ में नहीं आया, जब भी हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चैप्टर करेंगे वापस से मैं आपको ये प्रॉपर्टी रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया नहीं है बट ये प्रॉपर्टी को हम वैसा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट बता सकते हो ना सब लोग। यस मैम। अच्छा दूसरा तरीका कौन सा स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है जैसे ये जो इक्वेशन वन है आप इसको सिग्मा के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है, फिर आप सिग्मा के प्रॉपर्टीज देखो, जो सिग्मा के जो अपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़े
सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए, वैसा भी आप करना चाहे तो सोल्व कर सकते हो। जैसे जैसे आपको फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एच पार्ट में लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिला ये, अभी आप यहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो स्टूडेंट, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। देखिए ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू अभी क्या है 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा एन इंटू 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू सी 1 प्लस 2 सी 2 प्लस सी प्लस 3 सी 3 अप टू एन इंटू यहाँ पे मिलेगा सी एन। इसपे मतलब क्या बताया मैंने, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो वो वाले केस में इक्वेशन 1 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वहां से आपको चेक करना है कि एक्स की क्या वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँ ताकि जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एच वाले पार्ट का मैं बात करूँ, यहाँ पे ये मिला है हमें अभी, आप अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा ये इक्वेशन नंबर 9, सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री अप टू एन सी एन, ये आपको मिलेगा n इंटू टू का पावर n माइनस 1। अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दी है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा सी वन माइनस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री माइनस एस वन का, ऑल्टरनेटली आपको प्लस माइनस साइन मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन नंबर 10 को, तो यहाँ पे बेसिकली जो आर की वैल्यू वही यहाँ पे आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे टू सी टू आया क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 2 थी, ठीक है, एंड यहाँ पे सी 3 था तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 थी, तो बेसिकली ये हमें यहाँ से मिला है इक्वेशन जो 1 है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिजल्ट नंबर 9 और 10 मिलता है। 9 कैसे मिला, x की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद, एंड ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 10 कैसे मिला, जब आपने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी। अभी ये जो स्टूडेंट 9 और 10 जो मैंने लिखा है इक्वेशन, ये सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, मतलब ये चीज मैंने यहाँ पे आपको एज ए प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ, नहीं तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है शो दैट सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री टाइम सी थ्री इज इक्वल टू दिस, या अगर जेई मेंस की बात की जाए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन कैसा मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको डिफरेंशिएट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपको जैसा बाइनोमियल कोएफिशिएंट में आपको जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा कि आपको एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 9 और 10 हमें मिल गए स्टूडेंट। अभी ये बोले कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 9, इक्वेशन 2 क्या थी वो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। इक्वेशन 2 इन्होंने इसको बोला है सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हमारे पास था 2 रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर आप इक्वेशन 9 और इक्वेशन 2, ये किसका था इक्वेशन 2, इनको एड करते हैं तो स्टूडेंट क्या मिलेगा देख लीजिए, सी जीरो प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी प्लस थ्री सी टू अप टू एन प्लस वन सी एन, ये चीज हमें मिलेगा। ये बात समझ में आई स्टूडेंट किसी को? अच्छा, ये ऊपर एन नहीं है, इधर है, इधर है, एक सेकेंड, ये ऐसा मल्टीप्लाई है क्योंकि ये देखिए इधर, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, क्योंकि टू इंटू सी वन है प्लस थ्री इंटू सी टू है और यहाँ पे एन प्लस वन इंटू सी एन है, ये आपको इक्वेशन 9 और इक्वेशन 2 को ऐड करने पर मिलेगा। डोंट वरी, अभी के लिए रट्टा नहीं मारना है, जैसा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी हम उसी टाइम डिराइव कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक ही मिनट लगेगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? लेकिन क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन 1 पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तब ये वाला चीज आप फटाफट कर सकते हो। किसी को डाउट है इसमें, ये इक्वेशन नंबर 9 10 और 11 कैसे मिला प्लीज बताइए, समझ में आया कि नहीं एवरीवन? कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। अच्छा स्टूडेंट, अभी इंटीग्रेशन से भी मैं करा देती हूँ यहाँ पे। इंटीग्रेशन कब करते हैं स्टूडेंट? जब आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, उनका एडिशन दिख रहा है, लेकिन उनके डिनोमिनेटर में कुछ नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, कुछ दिनों में, क्योंकि आपको एक चीज पता है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन होता है क्या, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखू, देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे तो ये होता है आपका पास एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिए डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, डिफरेंशिएशन मेथड है डेरिवेटिव निकालने का। तो वहां पे अगर कोई फंक्शन दिया बेसिकली व्हाट इज द, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में, जैसे अगर मैं बोलती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये इसकी बात करूँ स्टूडेंट, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर स्टूडेंट जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दू, पूरा डिटेल में तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तभी करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे आपको स्टूडेंट पता है एक्स स्क्वायर, एक सेकंड यहाँ पे क्या हुआ इसको, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं बोला एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आप लोग क्या बताएंगे, इसका डेरिवेटिव बताएंगे टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताए, कोई फंक्शन बताए उसका डेरिवेटिव आप फाइंड करो, इंटीग्रेशन में क्या करूंगी, आपको डेरिवेटिव पता रहेगा फंक्शन क्या था, अगर मैं ऐसा लिखू ना तो आपको आंसर मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट भी लगा दीजिए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस या एंटी डेरिवेटिव भी हम इसको बोलते हैं। पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जब हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे तब सिखाएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए इतना चीज, ये हम जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चैप्टर करेंगे तभी भी ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि इसमें दिया था एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे इक्वेशन वन वापिस से लिख देती हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तभी भी वापस से ये प्रॉपर्टी हम रिवाइज कराएंगे। तो बेसिकली 1 प्लस एक्स यहाँ पे होल रेज टू पावर एन, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास इसका एक्सपांशन में सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, ओके यहाँ पे एक्स है सी वन इंटू एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे है सी एन इंटू एक्स का पावर एन, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन बोला है। स्टूडेंट जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ नंबर दिख रहे हैं, तो आपको इक्वेशन वन को क्या करना है, आपको उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जैसे अभी बताया था अगर आपके पास एक्स का पावर एन है इंटीग्रेशन कर रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज समझने की जरूरत है, ये वाला चीज अभी तक हमने नहीं करा है। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ जैसे कुछ ऐसा लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया जैसे x का पावर n dx, ठीक है, तो आप यहाँ पे x का पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलता है x का पावर n प्लस वन अपॉन यहाँ पे आपको कितना मिलता है n प्लस वन, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट मिलता है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं इसको हम कैसे रीड करते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रल ऑफ x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू ये x आप बोल रहे हैं dx आप जो बोल रहे हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट वन बताया है x की, अपर लिमिट इज टू, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ पे लोअर लिमिट वन है अपर लिमिट टू है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पे लिखा वन यहाँ पे टू, इसका मतलब क्या है, आपको एक बार x की जगह टू सब्स्टिट्यूट करके जो आ रहा है वो लिखना है, फिर माइनस साइन आप रखेंगे बीच में माइनस साइन, फिर यहाँ पे x की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो मेथड है यहाँ पे जो हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट ये ऐसे आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, जब भी आपको ये क्वेश्चन को मैं इंटीग्रेशन से सोल्व करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज हम क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट उससे से भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन यूजुअली आपको जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, तो अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, ये इक्वेशन नंबर वन है स्टूडेंट, जिसको अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या बताया बिटवीन द लिमिट जीरो टू वन, मतलब यहाँ पे एक्स की लोअर लिमिट में जीरो ले रही हूँ यहाँ पे, मतलब लोअर लिमिट मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, अपर वैल्यू मतलब वन ले रही हूँ, ठीक है। जैसे कैसे सिंप्लीफाई करते स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर आप एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये चीज मैंने आपको जस्ट लिख के बताया, लेकिन किसी को नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज पूछिए। तो इक्वेशन वन को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट जीरो टू वन, बट वी विल गेट यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, लोअर लिमिट जीरो रखना है यहाँ पे और अपर लिमिट वन। राइट साइड में भी यही किया है, आपको मिलेगा सी जीरो एक्स प्लस सी वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन थ्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म का इंटीग्रेशन मिलेगा सी एन इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन,
लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट वन है. इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट आपको इक्वेशन नंबर 12 मिलता है. लेकिन क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन? क्योंकि इंटीग्रेशन से बहुत इजी हो जाते हैं. अभी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो इसलिए टफ लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो आपको इंटीग्रेशन करने से इजीली मिल जाता है. तो यहाँ से आप बोलेंगे सी जीरो प्लस सी वन अपॉन टू प्लस सी टू अपॉन थ्री अप टू सी एन अपॉन एन प्लस वन. ये आपको मिल रहा है टू रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस वन. ये सिंप्लीफाई करके बेसिकली स्टूडेंट एक समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए. यहाँ पे एक बार देखिए x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया आपने, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 1 उसका पावर n प्लस 1 मिलेगा. यहाँ पे मिलेगा आपको n प्लस 1, मतलब ये हो गया 2 का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ये तो हुआ जब आपने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करी. जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे उससे पहले यहाँ पे माइनस साइन आएगा. ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया x की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 का पावर n प्लस 1. 1 का पावर n प्लस 1 मतलब 1 और यहाँ पे n प्लस 1 है. तो यही चीज उन्होंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 फिर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 12 है. स्टूडेंट नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, लेकिन मैं बता दूं जब भी हम इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तभी भी मैं आपको समझाने वाली. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये वाली रिजल्ट प्रॉपर्टीज बताने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, प्लीज बताइए. तो यहाँ पे ये जो चीज मैंने आपको बताई जो इक्वेशन वन है, अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपने लोअर लिमिट जीरो ली है अपर लिमिट माइनस वन ली है, तो ये वाले केस में ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में बेसिकली ऑल्टरनेटली टर्म में आपको प्लस माइनस टर्म्स दिखेंगे. यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा. एवरीवन अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम जब हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी आपको अच्छे से समझाओ. ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए. ये वाला चीज देखिए, अगर यहाँ पे जो इक्वेशन वन है हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट एक्स यहाँ पे माइनस वन ली है अपर लिमिट जीरो, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन नंबर 13 मिलता है. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है. क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, आपको एग्जाम में बोलेंगे सी जीरो माइनस सी वन अपॉन टू प्लस सी टू अपॉन थ्री माइनस सी थ्री अपॉन फोर डॉट 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 इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन दे देंगे. और आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में आपको कुछ दिख रहा है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाई समथिंग है, तो आपको आंसर इंटीग्रेशन से इजिली मिल सकता है. ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी स्टूडेंट. प्लीज बताइए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से आपको. यस मैम. ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है एंड कुछ क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ. ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए ये वाली पार्ट का. अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन को, एक मेथड ये है, दूसरा मेथड है सीरीज वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो सिग्मा जो रहता है वैसा, तो वैसा भी हम ट्राई करेंगे सोल्व करने का. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए आप लोग. पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए इफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सी एन इंटू एक्स का पावर एन, तो आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. यहाँ पे हमें दिया है सी जीरो प्लस सी वन इंटू सी वन प्लस सी टू इंटू सी एन माइनस वन प्लस सी एन, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई दिया है आपको सी वन इंटू सी टू अप टू सी एन. ठीक है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है इतना. ठीक है, आपको एन ब्रैकेट दिख रहा है और इसमें टर्म्स है ऐसा, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है सी वन सी टू अप टू सी एन, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दिख रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे C0 नहीं है. C0 का वैल्यू वैसे भी 1 होता है आपको पता है. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देख के ये आइडिया आ रहा है कि ब्रैकेट से अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और फिर जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर कुछ कैंसिल हो जाए तो ईजी हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जो पहले वाला ब्रैकेट देखिए, अगर पहले वाले ब्रैकेट में मैं अगर सी जीरो कॉमन ले लूँ तो क्या होगा. आप बोलेंगे मैम क्यों ले रहे हो ऐसा कॉमन, रीजन बताते स्टूडेंट, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन
अपोन क्या होता है स्टूडेंट, अपोन आर होता है बेसिकली, अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप बोल सकते हैं मैम सी आर अपोन सी आर माइनस वन, ये होता है एन माइनस आर प्लस वन अपोन आर, सेम चीज मैंने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ से अगर मैं वो करूँ, देखो पहले ब्रैकेट से अगर मैंने सी जीरो कॉमन ले लिया तो स्टूडेंट आपको टर्म क्या मिलेगी ब्रैकेट के अंदर, मिलेगी वन प्लस सी वन अपोन सी जीरो, तो ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते जो हमें पता है। तो हम ऐसा ट्राई करते, देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट से मैंने ले लिया सी जीरो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा वन प्लस सी वन अपॉन सी जीरो, किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछिए। सेकंड ब्रैकेट में क्या करते हैं सी वन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सी वन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वन प्लस सी टू अपॉन सी वन, ऐसा ही करके डॉट 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 लास्ट ब्रैकेट से मैं सी एन माइनस वन कॉमन ले रही स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा वन प्लस सी एन अपॉन आपको मिलेगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है एक बार लिखते हैं फिर भी, हाँ यहाँ पे मिलेगा सी एन माइनस वन, ओके एक सेकेंड यहाँ पे इरेज करके पूरा अच्छे से लिखती हूँ। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से लिखती हूँ मैं, यहाँ पे पहले ब्रैकेट से हमने सी जीरो कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा वन प्लस सी वन अपॉन सी जीरो, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट से अगर मैंने सी वन कॉमन लिया आपको मिलेगा वन प्लस सी टू अपॉन सी वन, ठीक है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट से हमने कॉमन लिया है सी एन माइनस वन, तो यहाँ पे मिलेगा वन प्लस सी एन अपॉन सी एन माइनस वन, ये है। और डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट टोटल के, वो है हमारे पास सी वन सी टू सी थ्री डॉट 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 अप टू सी एन, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट प्लीज बताइए एवरीवन, समझ में आई? ओके अच्छा स्टूडेंट, अभी जो कोई बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपने लिए है उसको एक साथ में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं सी जीरो सी वन सी टू और लास्ट आपने क्या फॉर्मल लिया था सी एन माइनस वन, सी एन माइनस वन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था हमारे पास सी वन सी टू डॉट 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 अप टू सी एन, ठीक है ये हमें दिया था। और यहाँ की बात की जाए आपको ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा था वन प्लस सी वन अपॉन सी जीरो, नेक्स्ट ब्रैकेट में था वन प्लस सी टू अपॉन सी वन, एंड लास्ट डॉट 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 आपको मिल रहा था वन प्लस सी एन अपॉन यहाँ पे मिल रहा था सी एन माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट। अभी मुझे बताइए क्या सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे एवरीवन, यहाँ से देखिए सी वन सी टू सी एन ये सब आपका ओके, सी एन को छोड़ के और बाकी सब कैंसिल होने वाला है, देख लीजिए आपको मतलब न्यूमरेटर में यहाँ बचेगा यहाँ पे सी जीरो बचेगा, यहाँ पे बचेगा सी एन एवरीवन, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में सी वन से लेके सी एन तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर में सी जीरो से लेके सी एन माइनस वन तक आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ऊपर सी जीरो बचेगा, नीचे मिलेगा यहाँ पे सी एन, और बाकी का बात की जाए यहाँ पे एवरीवन ध्यान दीजिए क्या होगा, जो रिजल्ट अभी मैंने आपको दिखाया है ये वाला यूज करेंगे तो क्या होगा एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन होता है स्टूडेंट, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है ये, आप बोल सकते हैं सी आर अपॉन सी आर माइनस वन ऐसा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा अगर आपने आर की वैल्यू ले ली वन तो क्या होगा स्टूडेंट, और यहाँ पे एन माइनस वन प्लस वन, प्लीज समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए, यहाँ पे आर की वैल्यू लेनी है वन पहले वाले ब्रैकेट में, तो एन माइनस वन प्लस वन अपॉन वन तो कितना होगा प्लीज बताइए यहाँ पे वन, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है स्टूडेंट आपको मिलेगा एन, कुछ मिस्टेक है तो वो भी बताइए, तो वन प्लस एन अपॉन वन लिखना चाहिए तो वो भी लिख दीजिए या वन प्लस एन, स्टूडेंट समझ में आया एवरीवन? ओके सेकंड ब्रैकेट की बात कीजिए, सेकंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है आर की वैल्यू टू लेनी है, तो एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस टू प्लस वन अपोन यहाँ पे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट अपोन आपको टू मिलेगा, तो बेसिकली हो गया एन माइनस वन, देख लीजिए एवरीवन एन माइनस टू प्लस वन मतलब ये हो गया, एक बार देख लीजिए तो एन माइनस वन हो गया अपोन टू। नेक्स्ट ब्रैकेट की बात कीजिए, अगर नेक्स्ट ब्रैकेट लिखना होता तो क्या हो जाता वहां पे आप लेते आर की वैल्यू थ्री, तो यहाँ पे हो गया एन माइनस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री ऐसा कुछ आता, मतलब ये हो जाता आपके पास एन माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है डॉट डॉट डॉट
पूरा नहीं लिख रहे, लास्ट की बात की जाए स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे आपको मिलता एन ओके, यहाँ पे आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है, आर की वैल्यू आपको लेनी है एन, तो यहाँ पे हो जाता है एन माइनस एन प्लस वन अपॉन यहाँ पे आर की वैल्यू मतलब एन हो जाती, तो ये कैंसिल होके आपको बेसिकली क्या मिलता है, वन अपॉन एन मिल रहा है। प्लीज चेक कीजिए क्या मिल रहा है, वन अपॉन एन ही मिल रहा है ना स्टूडेंट? यस मैम। ओके सो यहाँ पे मिल रहा है आपको वन अपॉन, अच्छा हमने जो भी लिखा है अभी तक सब सही लिखा है कि कुछ मिस्टेक की, एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं, ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं पहले ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे सी वन अपॉन सी जीरो की बात करें, हाँ करेक्ट है क्योंकि सी जीरो की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है वन होती है, ओ एंड यहाँ पे एन सी वन की वैल्यू है, ये करेक्ट है। यहाँ से बात की जाए वन प्लस सी टू अपॉन सी वन, अच्छा स्टूडेंट मैंने कुछ तो मिस्टेक किया, किसी ने बताया भी नहीं मुझे क्या मिस्टेक है, कि मैंने वन यहाँ पे शायद एक सेकेंड लिखना भूल गई लगती है, कि यहाँ पे सब जगह वन भी तो है एवरी वन, यहाँ पे देखिए आपने जो मुझे बताया सी टू अपॉन सी वन की वैल्यू, तो ये आपके पास हो रहा है एन माइनस टू प्लस वन अपॉन आर, आर की वैल्यू होगी टू, तो ये बेसिकली मिला एन माइनस वन अपॉन टू, लेकिन यहाँ पे वन भी तो आना चाहिए क्योंकि ब्रैकेट में वन भी दिख रहा है सब जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे वन आना चाहिए, इसको इरेज करके लिखती हूँ मैं, आपको मिलेगा वन एंड यहाँ से इसको हम बात कर रहे हैं वन प्लस एंड यहाँ पर मिल रहा है आपको एन माइनस वन अपॉन टू, ऐसा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको मिलेगा वन प्लस एन माइनस टू अपॉन थ्री, ऐसा कुछ मिल रहा है, चेक कीजिए एक बार प्लीज एवरीवन कैलकुलेशन चेक कीजिए, अगर मैंने थर्ड ब्रैकेट लिया होता तो थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास आर की वैल्यू की यहाँ पे देखिए आपके पास हो जाता वन प्लस सी थ्री अपॉन सी टू हो जाता, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं वापस से रिपीट करूंगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर आपने थ्री ली है तो एन माइनस थ्री प्लस वन अपॉन थ्री हो जाता, तो एन माइनस टू अपॉन थ्री करेक्ट है, ठीक है। ये हमने करेक्ट किया है, पहले मिस्टेक कर दी थी वन नहीं लिखा था, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, डॉट 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 ये हमारे पास हो रहा है, लास्ट टर्म की बात की जाए तो वन प्लस ये अभी हमने बात की है, ये कितना आ रहा था एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, ऐसा हो रहा था, ये वन अपॉन एन हो रहा था, ठीक है स्टूडेंट चेक कर सकते हो आप, अगर कुछ मिस्टेक हो तो भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी अगर आप ध्यान देंगे तो सी जीरो सी एन की वैल्यू दोनों की वैल्यू होती है वन, ठीक है। एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, एन सी एन की वैल्यू भी वन होती है, तो बेसिकली हो गया वन। और बाकी ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है वन प्लस एन, ठीक है। आप नीचे चाहे तो वन भी लिख सकते हो किसी को लिखना हो तो, अदरवाइज वन प्लस एन ही आएगा। और ये जो ब्रैकेट है इनको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, टू प्लस एन माइनस वन, पहले सेकेंड ब्रैकेट की बात की जाए आपको मिलेगा टू प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, मतलब बेसिकली क्या मिल रहा है स्टूडेंट आपको, आपको मिल रहा है एन प्लस वन, एक सेकेंड, हाँ एन प्लस वन ही मिल रहा है, देख लीजिए एन प्लस वन अपॉन टू। इसकी बात कीजिए वन प्लस एन माइनस टू अपॉन थ्री, इसमें एलसीएम अगर आप लेंगे थ्री आएगा एंड यहाँ पे मिलेगा थ्री प्लस एन माइनस टू, मतलब यहाँ पे भी वापिस आपको एन प्लस वन मिल रहा है, एन प्लस वन अपॉन थ्री। इसको मैं इरेज करती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, ये चीज हुआ डॉट डॉट डॉट, लास्ट ब्रैकेट में भी आप एलसीएम लेंगे तो आपको एन प्लस वन अपॉन एन मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको वन प्लस एन मतलब एन प्लस वन आपको कितने टाइम्स मिल रहा है, एन टाइम्स मिल रहा है, एन प्लस वन होल रेज टू पावर एन, क्योंकि आपको बार बार दिख रहे हैं हम सब मल्टीप्लीकेशन में है। एंड डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट, वन इंटू टू इंटू थ्री अप टू एन दिख रहा है, बेसिकली ये क्या हो गया आपका एन फैक्टोरियल। किसी को डाउट है प्लीज पूछिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वापिस एक बार मैं रिपीट करती हूँ, एक सेकेंड, किसी ने रेज हैंड किया है, हाँ रजनीश कौर ने यहाँ पे हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए एवरीवन। मैम ये वाला, अच्छा ये वाला क्या, प्लीज बोलिए एक बार, आप पूरा स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं एक बार, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ब्रैकेट है ना आपको न्यूमरेटर में दिख रही है, वहां से मैं कुछ कॉमन ले लूँ तो डिनोमिनेटर के साथ आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ईच ब्रैकेट से कुछ कॉमन लिया, पहले ब्रैकेट से सी जीरो कॉमन लिया, दूसरे ब्रैकेट से सी वन कॉमन लिया, लास्ट ब्रैकेट से सी एन माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया है और ऐसा मिला। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये चीज मिला, तो यहाँ से आपको पता है यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको क्या मिल गया, सी जीरो सी वन सी टू अप टू सी एन माइनस वन उनका प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है सी वन सी टू अप टू सी एन, और यहाँ पे टोटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो ब्रैकेट में जो बच गया था स्टूडेंट वो लिखे अभी, इसको एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन जो होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, उससे सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, जो जितने भी ब्रैकेट है स्टूडेंट वहां पे आपको वन प्लस एन तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में मिल रहा है, डिनोमिनेटर में आपको अलग अलग नंबर दिख रहा है। तो पहले ब्रैकेट की बात की जाए तो वन प्लस एन अपॉन वन, दूसरे ब्रैकेट की बात की जाए सिंप्लीफाई करके एन प्लस वन अपॉन टू, थर्ड ब्रैकेट में आपको मिलेगा एन प्लस वन अपॉन थ्री, लास्ट ब्रैकेट आपको दे रहा है एन प्लस वन अपॉन एन। तो बेसिकली एन प्लस वन जो टर्म है स्टूडेंट वो एन टाइम्स है, एन ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे एन प्लस वन हो रेस्ट टू पावर एन हो गया, और जो डिनोमिनेटर में आपको वन टू थ्री दिख रहा है सबका प्रोडक्ट है ये एन फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, प्लीज बताइए, नहीं समझ में आए तो वापस से मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला मैंने ले लिया है, इजी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें, समझ में आया कि नहीं है बता दीजिए एक बार। नो मैम। अच्छा, समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है? डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसकी वजह से हो सकता है कि आप बोलेंगे मैम कैसे क्वेश्चन लेके आए, आज एक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डोंट वरी, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन ये क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उनके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक मेथड है डिफरेंशिएशन से करेंगे, वन प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन के एक्सपांशन जो रहता है वो लिखेंगे इक्वेशन वन बोल के, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट वहां से आपको आंसर इजिली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा रजनीश का भी यहाँ पे हैंड रेज है, बोलिए यहाँ पे, प्लीज बताइए यहाँ पे स्टूडेंट, प्लीज बोलिए आपको मतलब एक क्वेश्चन। एक मिनट रजनीश, मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी मैंने इंटरफेयर किया आपको, आप कुछ बोल रहे थे? मैम गलती से हो गया हैंड रेज। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, ये आपको दिया है वन प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन, ये आपको इसका एक्सपांशन दिया है, एन नेचुरल नंबर है आपको पता है, उसके बाद बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है, तो हम बहुत सारे तरीके हैं लेकिन देखते हैं इसमें कौन से एप्लीकेबल होता है, और आपको ये भी पता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे रहते हैं, तो वो वाले केस में ये जो है इक्वेशन नंबर वन, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ज्यादा इजिली आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, ये जो एक्सप्रेशन जो दिया है आपको स्टूडेंट, उसको सिग्मा के टर्म में लिखिए, सिग्मा के टर्म में लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, तो जो गिवन है उसको, हमें गिवन है वन प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन दिया है, ये कितना दिया है स्टूडेंट आपको सी जीरो प्लस सी वन एक्स, ये हमें बार बार यूज भी कर रही है वाला, प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू हमें पता है सी एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है आपको निकालनी है वैल्यू, थ्री सी जीरो माइनस फाइव सी वन प्लस सेवन सी टू प्लस डॉट 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 माइनस वन का पावर एन, और यहाँ पे अप टू टू एन प्लस थ्री इंटू सी एन, इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप चाहे तो अभी डिफरेंशिएट कर लीजिए यहाँ पे, या आप चाहे तो वो जो रिजल्ट हमने अभी पढ़े हैं वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख देती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिजल्ट अगर डायरेक्टली नहीं लिखना है तो मैं इसको अभी डिफरेंशिएट करके दिखा देती हूँ, ये जो इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, बार बार वो रिजल्ट याद नहीं रहता तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा एन इंटू वन प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, सी जीरो का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे मिलेगा आपको सी वन, फिर आपको मिलेगा प्लस टू सी टू, प्लस आप लिखना चाहे नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो आपको मिलेगा, अच्छा यहाँ पे x भी आएगा, एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे मैंने x मिक्स कर दिया है,
सी वन एक्स का डेरिवेटिव आया सी वन, सी टू इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट टू टाइम सी टू इंटू एक्स। अगर इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म है सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री इंटू सी थ्री और यहाँ पे एक्स का पावर टू हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास एन इंटू यहाँ पे हो जाएगा सी एन और एक्स का पावर हो गया एन माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट जो आपको बोला है ये चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है प्रॉपर्टीज वो अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो हमारे पास है और क्या क्या पता है यहाँ पे, ओके ये चीज दिया है। अगर हम ऐसा नहीं करते, डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तो दूसरा तरीका यहाँ पे हम एक और कट ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा वाला कौन सा, यहाँ से जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं ना, ये एक तो ये एक काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हाँ ये चीज हमने यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, आपको दोनों दिखा देती हूँ। अगर x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू टू का पावर n माइनस वन हो जाएगा, और राइट साइड में मिलेगा सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री अप टू एन इंटू सी एन, ये मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट आपने x की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन सब्स्टिट्यूट करी है तो वो वाले केस में क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, देखते हैं कौन सा रिजल्ट यूज होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ओके एक बार लिख के दिखा देती हूँ, फिर पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू उन्होंने सब्स्टिट्यूट करी है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस वन सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पे ऊपर में, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो मिलेगा लेफ्ट साइड में, देख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, जो गिवन है ना उसको भी डायरेक्टली ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप ऐसा ही करना है, क्योंकि मैंने बताया मैथ्स में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड रहते हैं। आप चाहे तो जिसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी उसको डायरेक्टली कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सी वन माइनस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री माइनस फोर सी फोर प्लस डॉट 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 एंड यहाँ पे आपको जो मिलेगा प्लस माइनस वन का पावर एन एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एन इंटू सी एन। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट हो सकता है रिजल्ट कहीं पे यूज हो और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक्स की वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट की है। अच्छा, जो गिवन है स्टूडेंट उसको ही ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि यूजुअली जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता रहता है तो वो वाले केस में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपना आंसर इजिली आ जाता है वहां से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है जैसे ये वाला, ये अगर एक्सप्रेशन मैंने कंसिडर किया होता तो क्या हो जाता, थ्री सी जीरो दिया है, उसके बाद क्या दिया हमें माइनस फाइव सी वन, ओके माइनस फाइव सी वन, माइनस फाइव सी वन दिया है, फिर आपको दिया है सेवन सी टू एंड उसके बाद डॉट 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 ओके माइनस वन का पावर एन, ओके माइनस वन का पावर एन एंड यहाँ पे आपको दिया है टू एन प्लस थ्री एंड यहाँ पे आपको दिया है सी एन। अच्छा स्टूडेंट, इसको अगर हम कंसिडर किया होता तो क्या होता, देखिए डायरेक्टली अगर कंसिडर किया होता तो वो वाले केस में क्या हो जाता। अच्छा, इसमें हम सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं, अगर देखो क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट किया, देखो ऐसा आया। ठीक है, लेकिन जो कोएफिशिएंट हमें चाहिए था वो तो कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए आपको देखिए कौन कौन सा दिया था, थ्री सी जीरो का कोएफिशिएंट थ्री आ रहा है, सी वन का कोएफिशिएंट माइनस फाइव आ रहा है, यहाँ से तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट किया कहा गया, यहाँ से तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। एक काम करते, जो भी हमने प्रॉपर्टी जो बेसिक वाली सीखी थी वो ट्राई करते कि वो यूज कर सकते हैं कि नहीं, या जो जो गिवन थिंग है उसको हम देखो कैसा ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिखू थ्री थ्री जीरो को एज इट इज, स्टूडेंट फाइव सी वन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, माइनस थ्री सी वन माइनस टू सी वन लिख सकती हूँ कि नहीं। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे देखते कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वाला आपके पास सेवन सी टू है, आप इसको फोर सी टू प्लस थ्री सी टू ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, प्लीज बताइए एवरीवन, लिख सकते हैं ना मैम? कैसे लिखा ये समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये वाला स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली वाली टर्म हमें क्या दिया थ्री सी जीरो, ठीक है ये वाली बात समझ में आई। जो दूसरी वाली टर्म है ना, मैं क्या सोचती हूँ यहाँ पे देखो वापस दिखाती हूँ, जो मैंने यहाँ पे नीचे रिजल्ट लिखा ना, इसका कुछ नाम देना चाहो तो कुछ दे दीजिए, आपको इसको लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर टू बोल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने एक चीज नोटिस की स्टूडेंट, C1 माइनस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री माइनस फोर सी फोर अप टू माइनस वन का पावर n इंटू एन, यहाँ पे आपको सी एन इज इक्वल टू जीरो, ये चीज मुझे मिली थी। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा अगर कुछ लेने का ट्राई कर, कि मैंने जैसे बताया था जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपको, कोई उनको दिख रहा है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो वाले केस में डिफरेंशिएशन से हेल्प हो जाता है। डिफरेंशिएशन हमने किया तो वहां से मैंने, अब मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू वन भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, माइनस वन टू, लेकिन मैंने क्या माइनस वन सब्स्टिट्यूट करके इसलिए देखा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन मुझे दिख रहे थे। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि इक्वेशन टू जो मैंने लिखी है कहीं पे यूज हो सकता है कि नहीं, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने टू लिख दिया। अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा था, सी वन माइनस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री ऐसा कुछ दिख रहा था। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, ऐसा ही करने का ट्राई करती हूँ, मतलब पहले वाला टर्म थ्री सी जीरो है तो दूसरे वाले टर्म को मतलब यहाँ पे थ्री टाइम समथिंग ऐसा लिखने का ट्राई करती हूँ, देखते बाद में कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको ट्राई करना है क्योंकि इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है। यहाँ पे पहले टर्म थ्री सी जीरो थी, मैंने दूसरे टर्म को ऐसा लिखने का ट्राई किया। ठीक है स्टूडेंट, कुछ पैटर्न तो बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अभी समझ में आएगा क्या पैटर्न बन रहा है। देखो प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस वन का पावर एन है, यहाँ पे मिल रहा है टू एन प्लस थ्री। तो आप चाहे तो इसको कैसा लिख सकते हो स्टूडेंट, टू एन यहाँ पे इंटू सी एन लिखेंगे, फिर आप इसको माइनस वन का पावर एन एंड यहाँ पे इंटू थ्री इंटू सी एन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया लास्ट वाली को। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए स्टूडेंट, अभी अगर आप ध्यान देंगे जो जो थ्री थ्री वाले टर्म है, थ्री वाले जहाँ पे थ्री थ्री दिख रहे हैं, अगर मैं वहां से थ्री कॉमन लेके ब्रैकेट में लिखूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए सी जीरो मिलेगा, यहाँ पे सी वन मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस सी टू मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पे देखो फिर माइनस मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस वन का पावर एन एंड यहाँ पे सी एन। ये प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी, जब आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन कर रहे हो लेकिन बीच में ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस साइन आते हैं स्टूडेंट, वो वाले केस में वैल्यू उसका हो जाता है जीरो। याद है किसी को, नहीं याद है तो मैं वापस से दिखा देती हूँ। एक तो हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है टू का पावर एन, लेकिन ये भी पढ़ा था जब वो वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन के एक्सपांशन में एक्स की वैल्यू और माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो वाले केस में बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस का साइन आ जाता है, तो ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में जो है वो जीरो हो जाती है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, तो प्रैक्टिस से ही हमें आएगा। तो ये चीज मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करी, कर सकते हैं ना स्टूडेंट, ये वाले एक तो ब्रैकेट होगी, बाकी जो टर्म है उसको दूसरे ब्रैकेट में अभी हम लिखेंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी स्टूडेंट, नहीं आई हो तो प्लीज पूछिए। अभी क्या किया स्टूडेंट मैंने, ये तो हो गया, उसके बाद मैं क्या करने का सोच रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद स्टूडेंट देखिए ये जो बाकी के टर्म, देखिए ये वाले कौन कौन से टर्म बाकी रह गए, अभी ये वाला टर्म बाकी रह गया, ये वाला बाकी रह गया, और इधर से बीच में भी और भी बहुत सारे टर्म है और ये वाले टर्म बाकी रह गए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो सब में देखो टू का मल्टीपल आ रहा है अभी वन, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ओके अभी के लिए तो मैं इसको रेड पेन वाले को हटा देती हूँ स्टूडेंट। एक तो ये टर्म मैंने मार्क की है, ये वाले टर्म, और ये बीच में भी बहुत सारे टर्म है और ये वाले टर्म। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं माइनस टू कॉमन ले लू स्टूडेंट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, अगर मैंने माइनस टू कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो टर्म्स है यहाँ से सी वन मिलेगा, यहाँ पे प्लस था तो बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस टू सी टू हो जाएगा। एवरी वन प्लीज बताइए, एग्री कर रही हो कि नहीं, एंड यहाँ पे डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म से भी अगर मैंने टू कॉमन लिया तो बेसिकली क्या बचेगा, माइनस वन का पावर एन, और यहाँ पे एन आ गया क्योंकि टू कॉमन ले लिया है, इंटू सी एन। और ये रिजल्ट अभी मैंने जो अभी डिफरेंशिएशन से किया था स्टूडेंट, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी भी वैल्यू जीरो होती है। तो ये वाले अभी देखना पड़ेगा कि कैसा कर सकते हैं, तो बेसिकली ये हो गया थ्री इंटू जीरो माइनस टू इंटू जीरो, तो इसका आंसर हमारा जीरो आ रहा है, जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो। स्टूडेंट डोंट वरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बोल सकते हैं इतना इजी नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ जाएगा। लेकिन जैसा बताइए जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले तो हमें जेई मेंस क्लियर करना है, तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने ले लिया, आप चाहे तो मैं इजी क्वेश्चन भी ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, जिसको नहीं आई होगी तो प्लीज बताइए, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं दिया रहता, ये क्वेश्चन हम जेई मेंस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थोड़ा सा टफ लेवल का। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट, प्लीज बताइए, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था।
वैसे ही है, कर सकते हो एवरीवन। देखिए ये वाला क्या किया अभी स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, जो हमने अभी प्रॉपर्टी बताई थी ना। एक सेकंड में अगर मैं होमवर्क में आपको ट्राई करने के लिए बोलूँ तो कर सकते हो कैसे, क्योंकि देखो आपने जो हमें डिफरेंशिएट किया था स्टूडेंट, एक सेकंड दिखा देती हूँ। डिफरेंशिएट करके हमें ये सब मिला था स्टूडेंट, देखिए। फिर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या था, ये देखो ये वाला जो पार्ट जो रेड से मार्क कर रही हूँ, ये वाली चीज डिफरेंशिएट करके ये मिली थी। अगर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एन इंटू वन प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू सी वन प्लस टू सी टू एक्स प्लस थ्री सी थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए अपने को बोला है उसमें चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, उसमें कुछ ऐसा ही है कि कुछ अलग बन रहा है। यहाँ पे टू सी वन है, यहाँ पे थ्री सी टू है, तो एक देखिए पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सी वन था स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये ना, ये जो मैंने रेड मार्क से टिक किया हुआ है, एक तो ये इक्वेशन डेफिनेटली यूज होगी। यहाँ पे आपको x की वैल्यू वहां पे वन सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर x में x की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपको, आपको मिलेगा n इंटू टू का पावर n माइनस वन इज इक्वल टू सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री अप टू एन इंटू, यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक बार मैं लिख ही देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे लिख ही देती हूँ ताकि आप होमवर्क में ट्राई कर सको, नहीं आएगा तो मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n मतलब यहाँ पे n इंटू टू का पावर n, और अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या मिल रहा है, c1 वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू सी एन। ये चीज आपने डिफ्रेंशिएशन से जो क्या है इक्वेशन वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x की वैल्यू वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये चीज आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी और क्या करना है यहाँ पे, और ये करना है, देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, वहाँ पे टू सी वन है थ्री सी टू है, लेकिन हमें एक और चीज पता है, कौन सी वाली चीज स्टूडेंट, ये वाली चीज देखिए, इसके नीचे लिख के दिखा देती हूँ सी जीरो, या एक सेकंड पीछे लिखती हूँ यहाँ पे। हमने ये वाली चीज अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी स्टूडेंट, टू का पावर एन सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री अप टू सी एन। देखिए स्टूडेंट ऐसा ही कुछ लग रहा है, अगर आप ध्यान देंगे इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो यही चीज उन्होंने फाइंड करने के लिए आपको बोली है, प्लीज बता दीजिए एवरीवन। यस मैम। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली जो राइट साइड में आपके पास क्या है, सी जीरो प्लस टू सी वन, वो बेसिकली अभी क्वेश्चन कैसा भी मिक्स करके आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वही हमें ऑब्जर्व करना है, यहाँ से आपको मिला टू टाइम्स C2, नहीं नहीं थ्री टाइम्स C2, एक सेकेंड, ये मिला आपको थ्री टाइम्स C2 प्लस फोर टाइम्स C3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म में बेसिकली Cn कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट आपको n प्लस वन ही मिलेगा ब्रैकेट में, ठीक है। और ये क्या हो गया, आप 2 का पावर n कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको n प्लस वन, यही चीज यहाँ पे पूछा है स्टूडेंट। ऑलरेडी सॉल्यूशन हो गया, प्लीज आप इसको अच्छे से लिखिए, और इजी वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे, बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी हमें अभी करना बाकी है, थोड़ा सा आज टफ ले लिया मैंने, इजी क्वेश्चन जैसे अगर मैं बोलूँ सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू अप टू सी फिफ्टीन का आंसर बताइए, ऐसा अभी तक लिया नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते। आई होप स्टूडेंट ये वाला कर सकते हो आप, ये वाला पार्ट प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके ये वाला होमवर्क में आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, एंड एक सेकेंड, एंड टेंशन मत लीजिए, जो हमने अभी किया है वो जब हम डिफरेंशिएट